स्वागत है आपका खेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी TSSC लेखपाल भर्ती परीक्षा में अब आपका DB की डेट आ चुकी है। DB 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है और कब तक ख़त्म होगा इसकी डेट इन्होंने नहीं दी है, लेकिन फिर भी साथियों हम लेखपाल भर्ती की जो कट ऑफ है हम 100% एक्यूरेट कट ऑफ की बात करेंगे। इसमें कोई भी ये नहीं होगा FNBT के इतना चली जाएगी उतना नहीं, इसमें बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ की बात कर रहे हैं हमने। तो मैंने पहले दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं SC और ST के, ये तीसरा वीडियो है, ये है तुम्हारा EWS का। तो EWS के जो साथी हैं वो देख सकते हैं और सारे लोग इसको ज़रूर देखा करें जिससे आपको भी अपनी कट ऑफ में सुविधा हो के इतनी कट ऑफ जा सकती है। और बाद बाकी जितने भी और मतलब जैसे OBC है, जनरल है, गर्ल्स हैं, PH है, OH है, सबकी वीडियो में सेपरेट लेके आऊँगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा क्योंकि बनाने में इसको समय लगता है, एकदम से तो नहीं बन जाता है। जितने भी कट ऑफ हैं सबकी कट ऑफ में लेके आऊँगा एक बार, ठीक है। हर एक वीडियो आएगा रोज़ाना, आपको देखते रहना है। इसके बाद OBC वाले तैयार रहें, OBC वालों के लिए एक वीडियो सेपरेट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। आओ शुरुआत करते हैं EWS की कट ऑफ के लिए। तो साथियों थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं कितने, ये अकॉर्डिंग टू RTI रिप्लाई है। तो इसमें जो आप देख रहे हो सारी कैटेगरी की नहीं बात करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे तो EWS कैटेगरी की बात करेंगे। तो EWS कैटेगरी में जो कैंडिडेट हैं वो आप देख रहे होंगे, आपको 798 कैंडिडेट के सापेक्ष में 5568 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो ये कितना होता है, 6.9 गुना, ये ध्यान रखना पहली चीज़। अब आओ तो आगे आते हैं। दूसरा साथियों, ये PH वगैरह है इनसे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये चार्ट आपको ज़रूर समझना है कि टोटल कैंडिडेट कितने हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, बार बार मैं बताता हूँ, एक होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल में थोड़ा सा फ़र्क समझ लो। जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो अप्लाई होता है तुम्हारा UR, OBC, SC, EWS, ST। तो OBC का छात्र जा सकता है UR में, SC का जा सकता है, EWS का जा सकता है और ST का जा सकता है। और एक होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, जैसे वूमेन का हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, PH हो गए, ठीक है साथियों। तो ये खुद की कैटेगरी में रहेंगे, जनरल में नहीं जाएंगे, एक बात समझने की यह होती है। दूसरा साथियों, आज हम बात करेंगे EWS साथियों की। तो EWS के टोटल छात्र हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो EWS के जो टोटल छात्र हैं वो हैं तुम्हारे 798, जो आपको नीचे दिख रहा होगा, कितना है ये 798। अब देखो साथियों, एक दोस्त ने मेरे को कहा था कि आप मतलब वुमेन की निकाल के बताया करो। देखो वुमेन की लगभग इसी के समथिंग कट ऑफ है, तो निकालने का और बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ EWS OBC में ये ज़्यादा गुण ले रखे हैं, लेकिन वुमेन की 1.33 टाइम्स हैं। हाँ इसमें थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है, लेकिन वाद बाकी इफेक्ट आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक चीज़ देखनी है आपको, जो PH के साथी हैं वो PH के साथी हैं 30, ये ध्यान रखना है बस। आगे चलते हैं, इसके बाद PH के साथी कितने हैं 30। तो ये PH के ही जो छात्र हैं उन पे थोड़ा सा इफेक्ट डाल रहे हैं, इसके बारे में आगे देखते हैं। अब देखो, अगर आप ये देखोगे कि जैसे जनरल की, EWS की और OBC की जो कट ऑफ गई थी एकदम सेम गई थी, 75.75, इसमें तो कोई दोहरा है नहीं। तो 75.75 कट ऑफ गई थी OBC, EWS और मतलब UR की, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं कि इसकी कट ऑफ जो होगी वो कितनी जा सकती है, इसके बारे में अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है। कौन सा है ये EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक। तो इसके बारे में बात करते हैं साथियों, इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी ये देखेंगे अभी हम। अब तो सबसे पहले एक फैक्टर आपको देखना है कि EWS के स्टूडेंट कितने सेलेक्ट हुए हैं DB के लिए। जो मैंने पहले अभी आपको चार्ट दिखाया था उससे आपको समझ में आना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड इन DB तो ये हैं तुम्हारे 5568। तो टोटल छात्र जो सेलेक्ट हुए हैं EWS के वो हुए हैं 5568, बिग बड़ा नंबर है। अगर अकॉर्डिंग टू वैकेंसी देखा जाए तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम बात करें कि इसमें जो छात्र हैं जो तुम्हारे EWS के, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, 798, मतलब 798 सीट टोटल हैं। 798 के सापेक्ष ये 5568 छात्र सेलेक्ट हो गए, इसका मतलब कितना है, 6.9 टाइम्स, मतलब 6.9 गुना, मतलब 7 गुना मान सकते हो। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं, ये बात मान सकते हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं इसमें सेलेक्ट होने वाले, लेकिन इसका भी मतलब जो कैसे सेलेक्ट हुए हैं इसके भी बारे में देखेंगे कितने कैंडिडेट। आप सबसे पहले देखो
पीएच के कैंडिडेट कितने हैं साथियों। तो देखो पीएच का एक सिनेरियो मैं समझाता हूँ। एक दोस्त मेरे कह रहे थे कि कल आपने पीएच के जो छात्र लिए हैं वो कम लिए हैं। अब वो मैंने कम लिए हैं, अभी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में छात्र जाएंगे। अब देखो पीएच के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर अगर 27455 से 4680 का भाग लगाया जाए तो 5.8 गुना आता है। तो पीएच के छात्र ईडब्ल्यूएस में कितने हैं, तो मैंने क्या बताया था 30 हैं। मैंने कहा था ये ध्यान रखना 30 हैं, 30 का 5.8 टाइम करो, कितने हो गए 174, 174 को 3798 में से जो 798 प्योर हैं उसमें से 30 घटाने पड़ेंगे क्योंकि पीएच के निकल गए, पीएच से कोई लेना देना है नहीं तुम्हारा। तो ये हो गए 768, इतने छात्र बचे। और टोटल इसमें कितने थे 5568, इसमें से 174 घटा दो कितना आ गया वो तुम्हारा निकल के बाद में 5398। अब देखो साथियों अगर पीएच के 309 के अकॉर्डिंग लगाता हूँ तो ये 5.8 टाइम 1792 होता है। दोबारा सुनो, जो पीएच के 309 के हिसाब से लगाता हूँ तो 5.8 के हिसाब से 1792 होता है, लेकिन सात छात्र हैं पीएच के 4680 तो 1792 में से घटा दूंगा तो 2880 तो एक्स्ट्रा छात्र रह गए। ठीक है साथियों, तो एक्स्ट्रा छात्र बचे हैं पीएच के, वो कितने बचे हैं, वो बचे हैं तुम्हारे ये तुम्हारा 2880। जो 2880 छात्र हैं वो भी तो कहीं एकोमोडेट होंगे, वो भी तो कहीं जाएंगे। तो इसको ही एकोमोडेट करने के लिए मैंने कहा था कि हम जो एकोमोडेट करेंगे इनको वो करेंगे ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में। तो ये जो एकोमोडेट हो रहे हैं हमारे छात्र वो हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। ठीक है साथियों, तो अब देखते हैं इसको आगे। देखो साथियों, तो ये जो एकोमोडेट हो रहे हैं 2888 छात्र। अब देखो मैंने बता दिया ये सारा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, तो 5568 में से 174 घटाएंगे तो इतने बचेंगे 4626 छात्र। ठीक है, अब देखो एग्जैक्ट कट ऑफ पर, जैसे 75.75 का ये कट ऑफ, इस एग्जैक्ट कट ऑफ पर या फिर 0.25 कट ऑफ पर या फिर 0.50 इससे एक्स्ट्रा नंबर हैं कट ऑफ से, वो लगभग छात्र में 2000 मान के चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होंगे, ये थोड़ा सा कम मान के चल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मिनिमम मान के चलूँगा मैं। और पीएच के जो एक्स्ट्रा छात्र हैं जो मैंने 2888 बताए हैं, जो पीएच के एक्स्ट्रा छात्र हैं वो मैं मान के चल रहा हूँ ईडब्ल्यूएस में 700 हैं लगभग। ठीक है, और डीबी स्किप करेंगे 700 छात्र मान के चल रहा हूँ। ठीक है, बस ये मत समझना कि आप में एग्जैक्ट हो ही गया है, इससे ज़्यादा ही होंगे कम नहीं होंगे, ये बात समझ लेना आप। और कुछ छात्र ईडब्ल्यूएस के जनरल में चले जाएंगे, मान लो मैंने समथिंग मान लिया 500 छात्र जाएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, इससे ज़्यादा ही जाएंगे, ये बहुत कम मान के चल रहा हूँ मैं। रीज़न क्या है कि जो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं होंगे वो जनरल काउंट होगा। दोबारा सुनो, जिसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है नहीं छात्र के पास, वो जनरल काउंट होगा ही होगा, तो आपको ये मान के चलना है। तो इतना हो गया, अब 2700 और 500 को जोड़ोगे तो ये बैठेगा 3900। तो 4628 में 26 में से तुम्हें घटाना है तुम्हारा 3900, तो बचेगा कितना साथियों, तो ये बचेगा तुम्हारा 726। तो 726 छात्रों को ही एकोमोडेट करना है, बस अब कुछ नहीं बचा है, जितने भी पोस्ट हैं उसमें 726 छात्रों को आपको लेना है, 726 छात्र। अब देखो डीबी के लिए कट ऑफ मैंने बता दिया कितना गया था 75.75, और जो फाइनल कट ऑफ इसकी कितनी जा सकती है ये देख लो। अब आप जो फाइनल कट ऑफ होगी इसकी वो 77.50 से लेकर 77.75, जो फाइनल कट ऑफ होगी इसकी वो कितनी होगी 77.50 से लेकर 77.75, इतना फाइनल कट ऑफ है। इससे कम है अगर ईडब्ल्यूएस के छात्र के नंबर तो वो उम्मीद छोड़ दें, और अगर इससे इतने हैं और इससे ज़्यादा हैं तो अब आप मान लेना कि आप लेखपाल हो जाओगे। ठीक है, तो इतना ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये मैंने पूरा सिनेरियो बता दिया, और मैंने मिनिमम छात्र लिए हैं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैंने जो ये जो लिया है, क्या नाम है इसका, डीबी स्किप वाला, तो डीबी स्किप वाले इससे ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे। डीबी की स्किप जो होगा अच्छा खासा होगा, मैं बार बार बताता हूँ कि तुम्हारा जो यूपीएसआई है लगभग 2500 से 3000 छात्र तो यूपीएसआई अकेले में हैं, बाद बाकी बहुत सारी भर्तियाँ क्लियर हो चुकी हैं, एनटीपीसी की ज्वाइनिंग मिल चुकी है, सीजीएल का भी हो चुका है, यूपीपीसीएल का भी हो चुका है, हाईकोर्ट इलाहाबाद का भी हो चुका है, बहुत सारी भर्तियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। इससे जो छात्रों की संख्या स्किप करने वालों की होगी बहुत ज़्यादा होगी, बस इसको आपको ये करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों से रिक्वेस्ट करनी है जो सिर्फ स्किप करें। ठीक है साथियों, तो आपका जो ईडब्ल्यूएस का कंसर्न था वो खत्म हो गया है। तो ईडब्ल्यूएस वाले साथी 77.50 से 77.75 के बीच हैं, तो आपको श्योर शॉट नौकरी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट वीडियो रहेगी ओबीसी की। ठीक है साथियों, धन्यवाद।